तो हेलो मित्रों, कैसे हो? मस्त ना। तो गाइस यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि गाइस यहाँ पे आप लोग को एक्टिवेशन कोड कैसे मिलेगा। साथ ही मैं गाइस यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि गाइस यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन में फ्री फायर के एडवांसरों को कैसे डाउनलोड करके खेल पाओगे। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को भी ये सारी चीज़ें जाननी है तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ट्राई ज़रूर करना कि एक भी पार्ट मिस ना हो, ठीक है। सो चले गाइस यहाँ पे बढ़ते आज की वीडियो की। और सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदों का सवाल है कि भाई यहाँ पे हमने फ्री फायर के एडवांसरों को रजिस्टर तो किया था लेकिन हमें अभी तक यहाँ पे एक्टिवेशन कोड नहीं मिला है, और भाई यहाँ पे एक्टिवेशन ना मिलने की वजह से यहाँ पे हम फ्री फायर एडवांसरों को खेल नहीं पा रहे। सो मेरे भाइयों, अगर आप लोग को फ्री फायर के एडवांसरों को खेलना है सो गाइस यहाँ पे इसके लिए आप लोग को एडवांस सर्वर के एक्टिवेशन कोड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर गाइस यहाँ पे आप लोग के पास फ्री फायर का एडवांसरों का एक्टिवेशन कोड नहीं होगा सो गाइस यहाँ पे आप लोग की फ्री फायर की एडवांस सर्वर नहीं चलेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हमारा जो एडवांस सर्वर है वो गाइस यहाँ पे OB30 का एडवांस सर्वर है। सो गाइस यहाँ पे OB30 में करना फ्री फायर में जो भी सारी चीज़ें आने वाली है वो गाइस यहाँ पे आप लोग को अभी से ही पता चल जाएगा और गाइस यहाँ पे अभी से ही आप लोग वो सारी चीज़ें जान पाओगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप लोग को एक्टिवेशन कोड चाहिए तो गाइस यहाँ पे आप लोग को फटाफट से सर्च करना है क्रोम ब्राउजर या तो गूगल ब्राउजर के फ्री फायर एडवांस सर्वर। और गाइस यहाँ पे फ्री फायर एडवांस सर्वर सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग के सामने ऐसी फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगी जिसपे गाइस यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके फटाफट से अपनी जो यहाँ पे आईडी है उसको गाइस यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही गाइस यहाँ पे आप लोग फेसबुक से लॉगिन करोगे सो गाइस यहाँ पे आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और गाइस यहाँ पे आप लोग को फ्री फायर एडवांस सर्वर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को फ्री फायर के एडवांसर को डाउनलोड करना है सो गाइस यहाँ पे इसके लिए आप लोग को 700 से 800 एमबी तक का डाटा वेस्ट करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे जब भी आप लोग अपना इंटरनेट है वो वेस्ट करोगे तभी गाइस यहाँ पे एडवांस सर्वर डाउनलोड होगा। और गाइस यहाँ पे अगर आप लोग एडवांस सर्वर को खेलना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को इसके लिए एक्टिवेशन कोड ही चाहिए होगा। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को ये चेक इन कर लेना है कि आप लोग को एक्टिवेशन कोड मिला है कि नहीं मिला है। सो गाइस यहाँ पे अब हम ये जानते हैं कि गाइस यहाँ पे हम कैसे पता करें कि यहाँ पे हमें एक्टिवेशन कोड मिला है कि नहीं मिला है। सो गाइस यहाँ पे वापस से आप लोग को क्रोम ब्राउजर में जाना है, लिखना है फ्री फायर एडवांस सर्वर और गाइस यहाँ पे वहाँ पे पहले लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे अपने जो यहाँ पे फ्री फायर एडवांस सर्वर उसको गाइस यहाँ पे अपने फेसबुक से लॉग इन करना है और गाइस यहाँ पे डाउनलोड करके नीचे ही गाइस यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड दिया जाएगा जो गाइस यहाँ पे डाउनलोड बटन के नीचे ही आएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन कोड होगा वो गाइस यहाँ पे तकरीबन 12 कैरेक्टर का होगा और गाइस यहाँ पे 12 कैरेक्टर का अगर आप लोग को एक्टिवेशन कोड मिला है तभी गाइस यहाँ पे आप लोग एडवांस सर्वर डाउनलोड करना, वरना गाइस यहाँ पे आप लोग एडवांस सर्वर डाउनलोड मत करना क्योंकि गाइस यहाँ पे वैसे ही अगर आप लोग एडवांस सर्वर डाउनलोड करोगे सो गाइस यहाँ पे आप लोग का इंटरनेट वेस्ट ही होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग को एक्टिवेशन कोड मिला है कि नहीं मिला है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और गाइस यहाँ पे क्या आप लोग की एडवांस सर्वर गलती से डाउनलोड हो गई है कि नहीं हो गई है वो भी मुझे जरूर से बताना, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे ही एडवांस सर्वर डाउनलोड करके रखोगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग को एडवांस सर्वर कुछ ही काम का नहीं आने वाला है क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को एडवांस सर्वर में गाइस यहाँ पे लॉग इन करना है तो गाइस यहाँ पे इसके लिए आप लोग को चाहिए होगा एक्टिवेशन कोड। और गाइस यहाँ पे अगर आप लोग के पास एक्टिवेशन कोड नहीं होगा सो गाइस यहाँ पे आप लोग की फ्री फायर का एडवांस सर्वर कुछ काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया आप लोग को सबसे पहले तो चेक इन कर लेना है क्रोम में जाके अपनी फ्री फायर एडवांस सर्वर वाली वेबसाइट में जाके कि आप लोग को एक्टिवेशन कोड नहीं मिला है कि मिला है। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को एक्टिवेशन कोड नहीं मिला है सो गाइस यहाँ पे हमारा फ्री फायर का एडवांस सर्वर यहाँ पे डाउनलोड करने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को एडवांस सर्वर मिला है तब भी गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फ्री फायर का एडवांस सर्वर डाउनलोड करना है, ठीक है। बिना एक्टिवेशन कोड के आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। सो आई होप मित्रों आप लोग को सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि आप लोग को एक्टिवेशन कोड कैसे मिलना है वाला है और गाइस यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे हमारा जो फ्री फायर का एडवांस सर्वर है वो कैसे डाउनलोड करना है। सो आई होप मित्रों आज का आप लोग का एडवांस सर्वर के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो गाइस यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे भाई लोग यहाँ पे हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है। और गाइस यहाँ पे अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। सो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।